पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्रिमंडल गठन नहीं होने को लेकर उन्होंने आड़े हाथ लिया और चिरंजीव योजना को लेकर भी साधा निशाना। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को बीजेपी को स्पष्ट जनादेश दिया, पर 22 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, जिससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है। हर विभाग की भी असमंजस की स्थिति में है। जनता देख रही है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाए। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल गठन होना चाहिए, जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी में आया है कि चिरंजीव योजना में निजी अस्पतालों के द्वारा इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को हमारी सरकारी योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो एवं कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पूर्ववत व्यवस्था चालू रखनी चाहिए।